हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और न्यू गेमिंग वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए प्यारा सा लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हाँ तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अभी सेकंड फ्लोर में नहाने के लिए। फिर हमें आज स्टंट कंपनी के लिए निकलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि छुट्टियाँ कम्प्लीट हो चुकी है। जितने दिन की हम छुट्टियाँ आए थे वो कम्प्लीट हो चुकी है, तो शोवर रूम आ चुका है, तो मैं पहले नहा लेता हूँ दोस्तों। तो नहाना धोना तो कंप्लीट हो चुका है और मैं शोवर रूम से बाहर आ चुका हूँ अभी नहा धोकर। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यार ब्रेकफास्ट कर लूँ, तो ब्रेकफास्ट तो यार मैं वहीं करूँगा स्टंट कंपनी में, क्योंकि ब्रेकफास्ट अभी रेडी भी नहीं किया है, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमको बनाने में और फिर इसको खाने में, मतलब इसीलिए मैं वहीं खा लूँगा यार, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी मैं आ गया इस रूम में। रूम क्या है इसको, मतलब रूम की तरह ही है, एक तरह से खुला एरिया भी है। तो यहाँ पर हमारी स्कूटी खड़ी कर रखी है, हमने नीचे नहीं कर रखी, ऊपर ही कर रखी थी, सिर्फ बाय बाय बोलने के लिए। अब क्या पता मैं कितने दिनों बाद वापस आऊँगा अपने घर पर, तो इसको बाय बाय बोल लेता, बाय बाय मेरी स्कूटी प्यारी रानी। वैसे तो यार स्कूटी पापा की परियों की फेवरेट होती है, पर यार मेरी क्या है, फर्स्ट टाइम मैंने स्कूटी खरीदी थी, उस टाइम मेरा इतना ही बैंक बैलेंस था। तो अब भी मैंने इसको सेल नहीं किया है, क्योंकि यार अच्छी है स्कूटी, माइलेज वगैरह सब अच्छी देती है। तो अभी मैं अपने कपड़े वगैरह सब पैक कर लेता हूँ। सो दोस्तों, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अपने जो भी कपड़े वगैरह हैं सबको पैक कर लिया है। तो अभी जा रहा हूँ मैं हमारी दूसरी अलमारी, उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पैसे वगैरह जो भी रखे हैं, तो उनको देख लेता हूँ एक बार। लॉक सभी में लग रहा है ना, तो तीन लॉक हैं, इसमें भी लॉक लग रहा है, सेकंड वाली में, फर्स्ट वाली में, तो तीनों लॉक लग रहे हैं, तीनों मतलब सेफली है। और देखता हूँ अपना पीसी, पीसी भी बंद है। क्या है दोस्तों, मैं कभी पीसी को चालू ही छोड़ देता हूँ और पता नहीं रहता है। तो अब चलता हूँ अपनी थार के पास। सो यार मैं कितना भुलक्कड़ हो गया, थार तो मैंने गैरेज में खड़ी की है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब गैरेज में चलते हैं और फिर निकलते हैं स्टंट कंपनी की ओर। और हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारी स्टंट कंपनी कहाँ पे है। जो कि नए दर्शक हैं उन सभी को पता नहीं होगा, पुराने वाले दर्शक सभी को पता होगा कि हमारी स्टंट कंपनी कहाँ है और हमको कितना पैसा मिलता है स्टंट करने के लिए। अभी तो हमारे स्टंट शुरू नहीं हुए, अभी तो हमारी ट्रेनिंग ही चल रही है। और आ चुका हूँ अपनी गैरेज के पास और थार कुछ ऐसी लग रही है जी वैगन की तरह। अरे कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया दोस्तों मैं, चलो अच्छी लग रही है। आप सभी कमेंट करके बताना थार कैसी लग रही है गैरेज में खड़ी हुई। चलो मैं बैठता हूँ थार के अंदर। बैठ गए मैं थार के अंदर और ऑन कर लिया थार को और निकालता हूँ गैरेज से बाहर। वाव क्या ब्रेक लग रहे हैं, ओ हो यार, बच्चे अपनी आंखें बंद कर लो यार, कितनी क्यूट लग रही है ना हमारी थार। वैसे यार मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, आंखें बंद मत करना, आंखें बंद कर लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कब स्टंट कंपनी में पहुंच गए। और स्किप मत करना वीडियो यार, स्किप कर ले तो यार आप। चलो अब चलते हैं ये वाले रास्ते से चलते हैं हम, वो पिछले वाला रास्ता है ना वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, तो हम इस शॉर्टकट वाले रास्ते से आगे। वैसे रास्ता नहीं है, जगह है और निकलने के लिए। और हाँ दोस्तों, आप सभी को एक बात बताने वाला हूँ, जब हमारी स्टंट ट्रेनिंग वाले पैसे आने लग जाएंगे ना, तो जब मैं ये वाला घर सेल कर दूंगा और इससे भी अच्छा घर खरीदूंगा शहर के अंदर। ये वैसे ये घर भी अच्छा है, पर जब पैसे आने लग जाएंगे, काफी अच्छा बैंक बैलेंस हो जाएगा अपना, तो अच्छी और भी गाड़ी लेंगे, इससे भी महंगे वाली थार से भी, और बैंक बैलेंस होने के बाद अच्छा भी घर लेंगे। ये ड्रीम्स हमारे जब भी पूरे होंगे, जब हम स्टंट कंपनी में अच्छी तरह से काम करेंगे। और चलो अभी बंद करते हैं ये बेकाव की सोच को और सीधा चलते हैं स्टंट। फाइनली दोस्तों आ चुके हैं स्टंट कंपनी में वापिस अपनी छुट्टी कंप्लीट करके, और चढ़ाते हैं वही रिस्क भरा रैंप। अरे यार मेरे लिए ना ये वाला रैंप रिस्क भरा बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि अब मुझे काफी एक्सपीरियंस आ चुका है, मैं कौन सी भी गाड़ी हो उसको चढ़ा सकता हूँ बिल्कुल पूरी सेफ्टी के साथ, चढ़ा सकता हूँ कौन सी भी गाड़ी हो ऐसे। और मेरे को यहाँ बाइक पूरी सेफ्टी के साथ लेनी पड़ेगी दोस्तों अपनी थार को। और हमारी थार को कोबरा बाइक के जस्ट पीछे खड़ी करते हैं, आप सभी को पता होगा ये हमारी जगह है। जगह तो क्या है, मैं यही खड़ी कर देता हूँ और अभी आराम आराम से ले लेता हूँ। हाँ तो मैंने सेफ्टी के साथ थार को ले लिया, हल्का सा पीछे यार, ज्यादा आगे ले लिया तो हाँ हल्का सा पीछे, ये वाली जगह, हाँ ये वाली जगह सही है। तो थार को यहीं खड़ी करता हूँ और उतर चुका हूँ मैं थार से। दोस्तों मुझे यहाँ पे कुछ बदला बदला सा लग रहा है, क्या कि पहले तो मैं कई दिनों की छुट्टी के बाद आया हूँ। आप सभी को भी लगता होगा कि आप घर से कई दिनों के लिए बाहर जाते होंगे, या फिर कई जगह पर हम बहुत दिनों बाद जाते हैं, एक दो दिन बाद में जाते हैं, जब भी बदला बदला सा लगता है। और ये देखो आरजी वाली रोल्स रॉयस आ चुकी, और आरजी वाली कार की हालत देखो कितनी गंदी हो चुकी है, ये गुंडों ने किया जब हमारे
बोस को किडनैप करके लेके गए थे, तो बोस के पास ही थी आरजी वाली, इसे ड्राइव कर रहे थे, तो गुंडों ने इसके साथ ही बोस को किडनैप किया था और इसका तो क्या बुरा हाल कर दिया। एक मिनट यार, ये किसकी कार है और कौन सी कंपनी की? एक मिनट इसको देखता हूँ यार कौन की। गाड़ी तो काफी अच्छी है, ये तो रेंज रोवर है। काफी अच्छा पैसा लगा दिया मॉडिफिकेशन में और अच्छी भी लग रही है, लुक वगैरह सब अच्छा है। तो हम भी करेंगे बाद में हमारी थार को मॉडिफिकेशन, पैसे आने दो यार, अभी तो ब्लैक ही अच्छी है। आप कमेंट करके बताना मॉडिफिकेशन करे थार की या नहीं करे। और अभी मैं जा रहा हूँ कंपनी के अंदर, पहले बैग को रख देता हूँ यार, इसमें कपड़े वगैरह रखे हैं वजन में ऐसे, तो मैं वापस बाहर आ रहा हूँ, पहले बैग को अंदर रखाता हूँ। दोस्तों बैग को भी अंदर रख दिया है और बोस से भी मिल लिया मैंने, कि बोस से बाद में और मिल लूंगा। वो क्या है, कोई जानकार बैठा था, जो जिसकी गाड़ी है ना वो बोस के पास ही बैठा था। और देखो आरजीबी का तो भाई बहुत ही मेंटेनेंस होने वाला है। चलो हम वो पहले ब्यूटीफुल गाड़ी के पास चलते हैं यार, मेरे को काफी अच्छी लगी रेंज रोवर। वैसे यार कंपनी मेरे को अच्छी नहीं लगी, पर इसका मॉडिफिकेशन जो बंदे ने कराया ना भाई, लाजवाब, मतलब यार क्या बताऊं, देखते ही दिल छू लिया इसने। और ये हमारे बोस के फ्रेंड की है जो अंदर बोस से मिलने के लिए आया, जो अंदर ही है। सो दोस्तों मैं भी जा रहा हूं अभी अंदर। वीडियो कैसी लगी आप सभी को, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट पार्ट में जल्दी, जब तक के लिए बाय बाय।